Hello student, in previous lecture we seen the agent of pollination, that is abiotic agent. Now we will see the biotic agent of pollination. There are three types of biotic agent of pollination. First is insects, second is birds, and third one is animals. In insects को हम दूसरी terminology में क्या बोल सकते हैं, entomophily, और animal को zoophily, right? इन एंटीमोफिली की इंसेक्ट्स एजेंट कैसे पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, बट उसके पहले आपको टाइप्स ऑफ इंसेक्ट मीन के कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं वो पोलिनेशन में रोल प्ले करते हैं, दैट इज बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वेब्स, एंट्स एंड मॉथ. इन सबसे डोमिनेंट पार्टी के पोलिनेटिंग एजेंट कौन है? ओके, बीज, राइट. The bees is the most prominent biotic pollinating agent. That is, bees वो major role play करती है dominant biotic pollinating agent में, right? दूसरा कि insects से जिसमें pollination होता है, जो flower में, जो plant में, उसमें flower कैसे होने चाहिए, flower की quality कैसी होनी चाहिए. तो flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. जिससे ये bees और जो insects होते हैं वो attract होते हैं flower के flower में, और जिससे flower में अच्छे से pollination हो सकता है. Then अगर कोई plant में flower small हो तो वो small flower combine होके attractive form हो जाता है, और जिसको हम बोलेंगे inflorescence form होता है, क्योंकि जिससे ये insects है वो conspicuous बने, means के attractive लगे. आपको पता है कि एक रोज हो या फिर अलग अलग कलर के रोज हो और बुके बनाए तो बुके अच्छा लगता है सिंगल रोज के सामने, राइट. सो दैट इज वाई यहाँ स्मॉल फ्लावर क्लस्टर में इनफ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं, जिससे सभी इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट हो और पोलिनेशन हो. कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉर ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दिस एनिमल, मीन्स के कभी कभी ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एनिमल थ्रू पोलिनेशन ना हो, इसकी वजह से फ्लावर में फॉल मीन्स के बैड स्मेल क्रिएट करते हैं, जिससे एनिमल यहाँ से भाग जाए और उसके थ्रू मीन्स के फ्लाइज और बैटर के थ्रू पोलिनेशन हो. दूसरा कि कभी कभी सम स्पीसीज में क्या होता है कि मॉथ मीन्स के इंसेक्ट्स, मॉथ एंड द प्लांट युका बोथ दे कैन नॉट फुलफिल देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, मीन्स के एक की लाइफ दूसरे की लाइफ पर डिपेंड होती है. क्या होता है कि जो मॉथ होता है जो इंसेक्ट, वो युका जो प्लांट है उसके ओवरी के अंदर उसके एग लेज करता है, और जब एग प्रोडक्शन होता है तब ओवरी में से उसके एग रिलीज होते हैं, राइट. तो उसी की वजह से मॉथ और युका में रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, और वो रिलेशनशिप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, और वो दोनों अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर पाते. तो ये एग्जाम्पल आपको एंटीमोफिली में याद रखना है. देन बर्ड में थोड़े ही एग्जाम्पल है. मोस्टली जो पोलिनेशन होता है बायोटिक पोलिनेटिक एजेंट है उसमें से इंसेक्ट थ्रू ही मीन्स के एंटीमोफिली ही ज्यादा होती है. बर्ड्स में दो ही टाइप से सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड, ये बर्ड थ्रू बहुत कम पोलिनेशन होता है. देन एनिमल में छोटे एनिमल लाइक बैट एंड सम लार्ज एनिमल लाइक सम प्राइमेट्स लाइक लेमूर, वर्ब्रियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, रेप्टाइल्स लाइक गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, ये सब तो आपको पता होगा. बट ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स मीन्स व्हाट, की जो ट्री पर रहते हैं जमीन पे या फिर कहीं अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं रहते, वो जो एनिमल होते थे उसको हम बोलेंगे ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स. उसमें जो एनिमल होते हैं उसके थ्रू भी पोलिनेशन अच्छे से होता है. क्या होता है कि एनिमल आर एट्रैक्टेड टू फ्लावर, जैसे इंसेक्ट एट्रैक्ट होते हैं वैसे ही एनिमल एट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के साइड. द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनिमल, मीन्स के फ्लावर उसके बदले में क्या देता है एनिमल को, रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स मीन्स व्हाट, कौन सी फॉर्म में होगा, नेक्टर्स एंड पोलेन के फॉर्म में एनिमल को फ्लावर रिवॉर्ड देता है. एनिमल हैव टू कम इन कॉन्टेक्ट, रिवॉर्ड लेने के लिए एनिमल को सिग्मा और एंथर के कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा, और उसके बाद ही पोलिनेशन हो पाएगा. इन सम स्पीसीज एज द फ्लोरल रिवॉर्ड्स
प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू लेज एग मीन्स की सम स्पीसीज में एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड एनिमल में स्पेशली एनिमल में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रेस प्रोवाइड करता है प्लांट और उसमें वो जो एनिमल होता है वो अपना एग लेज कर सकता है। उसके एग्जाम्पल आपको दिया है जैसे हम वो दाल में वो रखते हैं ना सूरन जिसको गुजराती में बोलते हैं वो एमरफोफेलस करके जो प्लांट है जिसका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट उसकी हाइट होती है उस फ्लावर ये प्लांट की फ्लावर की हाइट 6 फीट होती है। उसमें एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड सेफ प्लेस एग लेज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं और जिस प्लांट में एनिमल थ्रू पोलिनेशन होता है उस वो एनिमल जो पोलर ब्रीड होती है वो अपनी जो एनिमल होते हैं अपनी बॉडी पर पोलर ब्रीड का कवर बना लेते हैं जिससे कोई भी पोलर ब्रीड उसकी बॉडी के साथ स्टिक ना हो। तो ये हो गया एनिमल थ्रू मीन्स के जूफिली बायोटिक एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तो ये जो हमने पढ़ा आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट पोर्शन में आपको एक एक्टिविटी दी है बुक में कि अलग अलग प्लांट के बनाना के कोरिएंडर वो सब प्लांट के नेम दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि अलग अलग प्लांट में पोलिनेशन किसके थ्रू होता है वो आपको होमवर्क में दिया है तो आपको वो होमवर्क करना है। और दूसरा कभी कभी पोलन ग्रेन रिलीज होती है पोलिनेशन होने से पहले उसको रोबर्स बोले जाते हैं नेक्टर्स के रोबर्स बोले जाते हैं वो भी आपको दिया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल एक्टिविटी हम पढ़ेंगे जिससे जो कंपेटिबिलिटी पोलन ग्रेन की होती है वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू।